गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा NIA के बारे में। तो NIA से जो रिकमेंड आया है, एक्चुअली NIA क्या है वो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो जॉब है वो 67 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल का पोस्ट है। तो आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल सबको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीड्यूर भी बताऊंगा और कौन सा क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। वीडियो शुरू करने से और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डेली बेसिस जीके जीआई का नॉलेज और नया नया फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया मतलब होल ओवर इंडिया में आपको किसी भी जगह पे जॉब मिल सकते हैं। और 67 वैकेंसीज है, जिनमें देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसके लिए 43 वैकेंसीज है, हेड कांस्टेबल जिसके लिए 24 वैकेंसीज है। और यहाँ पे एज लिमिट जो रहेगा वो कोई भी यहाँ पे एज लिमिट दिया गया नहीं है। आप अप्लाई करिए, वहां से आपको सिलेक्शन होने का एज लिमिट पता चल जाएगा। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो टोटल पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस दोनों टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो फीस है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सैलरी पैकेज जो रहेगा 25,500 से 92,300 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है, जिसमें देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से 92,300 तक और हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,700 तक। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपको द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन आप देखिए ट्यूटरीज मतलब आपको ऑफिसर लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। यहाँ पे देख सकते ग्रेजुएशन फॉर्म कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सॉरी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स इन दिस फील्ड, मतलब उस फील्ड में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो पहले मैं अभी चाहता हूँ मैं फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट जॉब जो है वो फ्रेशर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और दूसरा जो जॉब है वो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल ऑफ स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस देखिए इन्वेस्टिगेशन जो बॉडीज है, तो इसमें देखा जाए तो करीबन करीबन 12 क्लास लेवल आपको पास आउट होना चाहिए कोई भी देखिए यूनिवर्सिटी से, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और एप्लीकेशन का जो प्रोसीड्यूर है वो 7 अप्रैल, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट रहेगा वो 11 मार्च, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन आप जो करेंगे तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो होगा वो देखा जाए तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीड्यूर टोटली यहाँ पे मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना होगा। तो पहले आपको एक एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस में जाकर आपको पहले इस एड्रेस में आपको सारे के सारे डिटेल्स भेजना होगा, फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है। तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के लिए आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको भेजना होगा इस एड्रेस में। तो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा देखिए, फॉर्म दिखाने से पहले एक कहूँगा, अभी तक हमने इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज में ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो मैं आपको दिखा। हाँ चलो अभी देखिए बायोडाटा जो करिकुलम वीटा जो है इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा, और कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना होगा, और बाकी डिटेल्स आप एक एक करके फिलअप करिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को भेज दीजिए बाय पोस्ट के माध्यम से। तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और आप कोई भी पोस्ट के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।